हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आतिफ आरफी एक बार फिर हाजिर हूँ आप 12th के स्टूडेंट्स के लिए आपके अगले पोएम की वीडियो स्नेक के साथ। आपकी इस पोएम को, जो आपकी 9th पोएम है और आपकी सेकेंड लास्ट पोएम है, इसे इंग्लैंड के एक ग्रेट पोएम नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और एसेइस्ट डीएच लॉरेंस ने लिखा है। चले हम आते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who has written the poem Snake? यानी इस पोएम को लिखा किसने है? तो उसे लिखा है D.H. Lawrence ने। The next question, D.H. Lawrence belongs to, यानी D.H. Lawrence कहाँ से belong करते हैं? तो belong करते हैं England से। ये सिंबल देखकर आप समझ गए होंगे, Tower Bridge। The next question, Which one of the following is not the creation of D.H. Lawrence? यानी इनमें से कौन सी किताब है? Creation कहते हैं उनका वर्ग। इसमें से इन चारों में से कौन सी किताब है जिसे डी एच लॉरेंस ने नहीं लिखा है? तो उन्होंने सन्स एंड लवर्स, ये जो आपकी पहली बुक है, इसको भी लिखा है। ये जो फर्स्ट बुक सन्स एंड लवर्स है, इसे लिखा है इन्होंने। ये 1913 में पब्लिश हुई थी। द रेनबो, इसे भी लिखा है इन्होंने। ये 1915 में पब्लिश हुआ था। द वाइट पिकॉक, ये भी इन्हीं की क्रिएशन है। ये 1911 में पब्लिश हुआ था। ये जो द एज ऑफ एंजाइटी देख रहे हैं आप, ये बुक इन्होंने नहीं लिखी है। द एज ऑफ एंजाइटी को लिखा है W.H. Auden ने। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं जो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। आपकी पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट को भी W.H. Auden ने ही लिखा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु केम टू द वाटर ट्रफ ऑफ द पोएट? ये जो आप वाटर ट्रफ देख रहे हैं ना, ये बोलते हैं नाद को, पानी का, जिसमें मवेशी खाते पीते हैं। वो एक बड़ा सा पानी का पॉट होता है। तो पोएट के वाटर ट्रफ पे एक गर्मी का दिन था, वाटर ट्रफ रखा था जो पोएट का था। पोएट वहां गए, लेकिन उन्होंने देखा कि उनसे पहले भी वहां पे कोई मौजूद था। तो वो कौन मौजूद था? आपके सामने ये चार ऑप्शन है। सही आंसर है, आप पोएम के नेम से ही समझ गए होंगे कि उनसे पहले वहां पर एक सांप था जो पानी पीने गया था। हु वाज द सेकंड कमर एट द वाटर ट्रफ? इस हिसाब से फर्स्ट कमर स्नेक हुआ और सेकेंड कमर कौन हुए? तो पोएट हुए। ये जो स्पीकर हैं या पोएट हैं आपके, ये सेकंड कमर थे, यानी बाद में आने वाले, दूसरे नंबर पे आने वाले। मोंगूज, ये जो ऑप्शन है आपका, इसका मतलब नेवला होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द कलर ऑफ द स्नेक? यानी सांप का रंग कैसा था? तो सांप का रंग था येलो ब्राउन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर फ्रॉम हैड द स्नेक कम? यानी सांप कहां से आया था? तो सांप एक मिट्टी की दीवार से आया था, उसके किसी दरार से आया था, ऐसा आपके पोएट ने मेंशन किया है। ये जो फिशर आप ऑप्शन देख रहे हैं, इसका मतलब दरार होता है। वैसे पॉन्ड तालाब को कहते हैं, हाउस घर और फील्ड खेत। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीते हुए द स्नेक लिफ्टेड हिज हेड लाइक अ, पानी पीते हुए सांप ने अपने सर को किस तरह से उठाया था? उसने चिड़िया की तरह, आदमी की तरह, मवेशी की तरह या गिलहरी की तरह? तो देख लें आप, उसने मवेशी की तरह अपने सर को उठाया था। He lifted his head like a cattle. The next question, the snake looked at the poet dash. यानी सांप ने पोएट की तरफ कैसे देखा? ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। Happily, खुश होकर, confusingly, confused होकर, sadly, उदास होकर या वैग्यूली, अस्पष्ट रूप से, तिरछी नजर से देखा उस सांप ने पोएट को? वैग्यूली देखा, ये आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एटना? यानी ये एटना क्या है जो पोएट ने मेंशन किया है आपकी पोएम में? ये एक वोल्केनो है, एक ज्वालामुखी है, ए डेजर्ट, एक रेगिस्तान है, लेक, एक झील है, ऐसी एक समंदर है। तो ये एक वोल्केनो है, ये एक ज्वालामुखी है जो इटली के ईस्टर्न कोस्ट पे, पूर्वी तट पे, एक सिसली एक शहर है, वहीं ये माउंट एटना है। और ये जो आप ज्वालामुखी देख रहे हैं, ये एक जीवित ज्वालामुखी है। इट्स अ लिविंग वोल्केनो, वोल्केनो इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच मंथ हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम? पोएम में किस मंथ को मेंशन किया गया है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बता देना, पोएम में जुलाई के मंथ को मेंशन किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीसली, सीसली में, एक शहर इटली में, ब्लैक स्नेक्स यानी काले सांप आर सपोज टू बी इनोसेंट, उन्हें मासूम माना जाता है। वेयर एज, जबकि द डैश टू बी वेनमस, कैसे सांप को जहरीला माना जाता है? तो गोल्डन स्नेक को, गोल्ड कलर के स्नेक को वेनमस, जहरीला माना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट फर्स्ट थॉट? यानी पोएट ने सबसे पहले क्या सोचा? टू सी दैट येलो ब्राउन स्नेक, उस सांप को देखकर।
टू हिट उसे मारने का, टू कैच उसे पकड़ने का, टू किल उसे जान से मारने का, या टू सेव उसे बचाने का, तो टू किल उसे जान से मार देने का। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉज द स्पीकर ग्लैड एज अ होस्ट, क्या स्पीकर क्या आपके पोएट एक होस्ट के तौर पे, एक मेजबान के तौर पे ग्लैड थे, खुश थे? हाँ, नहीं, शायद, नहीं कह सकता, वो बिल्कुल खुश थे। उन्होंने कहा आई फील सो ऑनर्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द पोएट थ्रो, यानी पोएट ने क्या फेंका ऑन द स्नेक, सांप पर? अ स्टोन, एक पत्थर, अ क्लम्सी लॉग, एक इम्प्रॉपर शेप का लकड़ी का टुकड़ा, हिज शू, अपने जूते को, या स्टिक, एक छड़ी को। तो उन्होंने एक लॉग, क्लम्सी लॉग, एक भद्दा लकड़ी का टुकड़ा फेंका था उस पर। The next question, the poet compares the snake to which bird? यानी poet जो है उसकी तुलना सांप की किससे करते हैं वो? Falcon, बाज से। ये एक चुड़िया होता है जो शिकार करता है, emu। ये second largest bird है इस सरजमीन का। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग को कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी चिड़िया है। और ये जो अल्बेट्रस देख रहे हैं, ये आपका सही ऑप्शन है, यही अल्बेट्रस चिड़िया है जो दुनिया की सबसे ज्यादा क्या कहते हैं, इसका जो विंग होता है ना, विंग इसका पर सबसे ज्यादा बड़ा होता है, इसका वाइड स्पेड 11 फीट लंबा होता है लगभग। तो यू नो, पोएट ने इस तरह से कुछ मेंशन किया है पोएम में, उन्होंने कहा आई थॉट ऑफ द अल्बेट्रस। वैसे इसका दो मीनिंग होता है, अगर ये बात हो कि उन्होंने तुलना किस चुड़िया से किया, तो अल्बेट्रस से, यानी इस चुड़िया से, सी बर्ड है ये, समुद्री चुड़िया है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि अल्बेट्रस का यूज हम एज अ मेटाफर भी करते हैं कि किसी की किसी चीज से तुलना करना, यानी अपने आप में गिल्टी फील करने के लिए भी हम अल्बेट्रस का यूज करते हैं। यानी पोएट ने जब फेंक करके मारा था उस लॉक को, लकड़ी के टुकड़े को, तो उन्होंने अपने आप में गिल्टी फील करा था, इसलिए भी अल्बेट्रस का यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ट्री हैज बीन मेंशन्ड इन द पोएम, यानी पोएम में किस ट्री को मेंशन किया गया? कोकोनट, नारियल, सैंडल, चंदन, कैरट ट्री, बनियान, बरगद के पेड़ को। तो आप देख लें, सही ऑप्शन है कैरट ट्री। ये यूरोप में पाया जाने वाला एक पेड़ है, इसे सजाने के लिए भी यूज किया जाता है और चॉकलेट के अल्टरनेट के तौर पे भी यूज किया जाता है। ये बड़ा एक लॉन्ग लास्टिंग पेड़ होता है। दैट्स ऑल फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर एनी हेल्प यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर 9709322422। कोड ऑफ द वीडियो, सिर्फ मरी हुई मछली को ही पानी का बहाव चलाती है, जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद तय करती है। नाउ यू डिसाइड क्या कौन सी मछली हो, एंड प्लीज कीप वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर इट टू योर